अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का जो है वो सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर जो है आज हमने ये सब कुछ देखना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कोड ऑफ एथिक्स हैं जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हुए हैं। उसमें से हम अपनी फील्ड से रिलेटेड IEEE कोड ऑफ एथिक्स और ACM कोड ऑफ एथिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरह से रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए इन कोड्स ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन को किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से आप डिसीजन लेते हैं, किस तरह से आप जजमेंट करते हैं सिचुएशंस की। ये सारी चीजें जो है हम वो आज लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे कि सारे काम जो है हम वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमारे पास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब जो है हम इसका जो है इंट्रोडक्शन उसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो चीज आ रही है वो क्या है, लॉ। हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो लॉ है वो क्या है। लॉ क्या है? आपकी सोसाइटी के जो भी इश्यूज होते हैं या जो भी गवर्नमेंट चीजें जो है वो सेंक्शन करती है या सेंक्शन होती हैं, और इसमें वो आपको बताते हैं कि आपने एक सर्टन सोसाइटी के अंदर किस तरह से बिहेव करना है, आपका कौन सा बिहेवियर जो है वो अच्छा है, कौन सा बिहेवियर जो है वो आपका बुरा है, कौन सा ऐसा बिहेव है जो आप करेंगे जिसको जिसको करने से जो है आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, लॉज हैं, जो कि आपकी सोसाइटी या गवर्नमेंट जो है आपको क्या करती है, बताती है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम अच्छी और बुरी बातें जो है वो क्या है पहले से बता के रख दी है। और इसके बारे में आपको भी है फुल नॉलेज जो है आपके पास है कि आप अगर ये एक्ट करेंगे तो इस के अगेंस्ट आपको कौन सी पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है। उसके बाद दूसरी बात हमारे पास क्या आ जाती है, मॉरल वैल्यूज। देखिए मॉरल वैल्यूज हमारे पास क्या होती है। हम कहते हैं कोई भी पार्टिकुलर ग्रुप है या कोई कम्युनिटी है या कोई भी रिलीजियस ग्रुप है, उसके अंदर क्या मॉरल वैल्यूज हो सकती हैं, उनको हम मॉरल वैल्यूज कैसे कहते हैं या उनका एटीट्यूड क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम जो है बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक ग्रुप से जो है हम बिलोंग करते हैं, तो इसमें हमारे पास मॉरल कोड क्या हो सकते हैं, इसमें हमारे पास मॉरल कोड क्या है। हमें इस्लाम क्या सिखाता है कि हमने क्या करना है, बड़ों के साथ जो है वो इज्जत के साथ बात करनी है, छोटों के साथ जो है हमने क्या करना है, नरमी के साथ पेश आना है, उनके साथ उनसे बाद में बात नहीं करनी। तो ये सारे के सारे चीजें जो है हमारे पास क्या है, हमने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, मॉरल वैल्यूज आ गई, जो हमें क्या है कोई भी एक पार्टिकुलर ग्रुप जो है हमें क्या करती है उस चीज के बारे में सिखाती है या अंडरस्टैंड करवाती है या बताती है, वो चीजें हमारे पास क्या हो जाती हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज हो जाती हैं। अब हम एथिक्स की बात करते हैं कि जो हमारे पास एथिक्स हैं वो क्या हैं। अब एथिक्स के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप रोड पर जा रहे हैं और कोई शख्स आपको वहां पे गिरा हुआ मिलता है या कोई शख्स आपके सामने जो है वो गिर जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको उठाने के लिए उसकी मदद करते हैं। तो बेसिकली यू आर एन एथिकल पर्सन। कैसे? आप बाहर निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं या कहीं रोड पे हैं, आपने देखा कि आपके सामने वो इंसान जो है वो गिर जाता है, उसको चोट लगती है, तो आप क्या करेंगे, उसकी मदद के लिए जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि आप क्या है, एक एथिकल पर्सन है जिसने क्या किया, दूसरे पर्सन की मदद की है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका डिफरेंस जो था आपको पता होना चाहिए था, जो मैंने आपको बता दिया है। अब जो है हम इसके अंदर नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि हमारे पास व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स, कि हमारे पास जो कोड ऑफ एथिक्स है वो क्या है। जब भी हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। लेकिन उसके अलावा डिफरेंट सिचुएशन में जो आपका बिहेवियर होता है वो उसके बारे में भी कुछ पॉलिसीज जो है वो डिफाइन करती हैं, और इसका हमें क्या फायदा होता है, वो सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, एक तो प्रोड्यूस अ पॉजिटिव अफेक्ट ऑन जजमेंट, कि जब भी उनके जो मेंबर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो उनके वर्कर्स हैं, जब उन्होंने किसी मामले के ऊपर कोई फैसला लेना होता है तो वो कोड ऑफ एथिक्स को मद्देनजर रखते हैं। यानी कि जब भी वो कोई जजमेंट करने लगे हैं, कोई फैसला करने लगे हैं, तो वो क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हम जो फैसला कर रहे हैं क्या वो फैसला हमारा हमारे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर रहते हुए आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई डिसीजन ऐसा कर दें कि बाद में हमें पता चले कि वो जो फैसला या डिसीजन जो हमने लिया है वो हमारे कोड ऑफ एथिक्स के बाहर है। तो वो क्या करते हैं, उस चीज को जो है हमेशा मद्देनजर रखते हैं। तो उसका हमेशा हमारे जिंदगी पे क्या होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक
ठीक हो गया। दूसरा दूसरा पॉइंट जो है वो इसके अंदर वो क्या है, वो कहते हैं इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स हमें डिफाइन करता है प्रोफेशनल्स के लिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किस तरह से उन्होंने एथिकली एक्ट करना है विद रेफरेंस टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने क्या करना है, किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह से फुलफिल करना है, लेकिन इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना कि उन्होंने अपनी जो है पॉलिसीज को भी इग्नोर नहीं करना ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ एंड सोसाइटी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लॉज को जो है उन्होंने क्या करना है देखते हुए जो है वो काम करना है। नंबर थर्ड में इसमें जो आ जाता है वो ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करें और उस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली भी क्या करें, अवेलेबल करें। ये जो कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन करना, डिस्क्रिमिनेट करना और इन्फोर्स करना, ये ऑर्गेनाइजेशन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, इन सब चीजों को पहले से जो है वो डिफाइन करके बताए। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताएगी लोगों को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उन्होंने जो काम है वो किस तरह से करना है, किस पॉलिसी को उन्होंने फॉलो करना है, वो सब कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी बातें जो है उनको पहले से बता दे। इसके बाद हम देखते हैं कि एथिक्स के हमारे पास जो गोल्स हैं वो क्या हैं। एथिक्स के गोल्स क्या हैं? जब भी कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेना हो या कोई इंडिविजुअल डिसीजन जो है वो ले रहा होता है तो उसको ये क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं कि हाउ एंड शी शुड प्रोसीड द सिनेरियो, ठीक है। और इस टॉपिक में हम कुछ डिफरेंट एरियाज को भी क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये 9 पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहला उसने क्या बताया है कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, प्राइवेसी क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, प्रोफेशनल क्वालिटी क्या होती है, फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, सॉफ्टवेयर के रिस्क क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। ये सारी चीजें जो है अभी हम आगे जो है रियल लाइफ जो है सिनेरियोस को इम्प्लीमेंट करेंगे, केसेस को देखेंगे, तो जो सारे पॉइंट जो यहाँ पे 9 पॉइंट लिखे हैं ये सारे के सारे पॉइंट जो है उनके अंदर आएंगे। आपने याद रखना है कि जब भी कोड ऑफ एथिक्स हैं उसके गोल्स की हम बात करें तो उन गोल्स के अंदर जो है हमारे पास ये 9 पॉइंट्स जो हैं वो लाजमी आते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, अपना फर्दर काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि IEEE के कोड ऑफ एथिक्स क्या है, इसमें वो क्या कुछ एक्शन जो है ये डिफाइन करेंगे, ठीक है, कौन और जो पब्लिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो है वो क्या करना चाहिए, क्लाइंट और इम्प्लाई के लिहाज से क्या करना चाहिए, फिर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, फिर हम पेयर्स पर बात कर लेंगे, ठीक है, फिर हम क्वालिटी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, एक्शन को, कि हमारे पास जो एक्शन है वो क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट और अपने एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में एक्ट करना होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो सर्व कर रहा है उसके इम्प्लॉयज के लिए और उसके क्लाइंट के लिए उसने हमेशा जो है वो एक्ट करना होता है, लेकिन कोई भी चीज बनाते हुए ये देखना चाहिए कि उसके जो भी एक्शन हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कंसिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट के हवाले से हमारे पास ये आ जाता है कि आप जो भी प्रोडक्ट जो है डिवेलप कर रहे हैं या आपको जो भी प्रोडक्ट डिवेलप करने के लिए दिया गया है तो आप उसे क्या कर रहे हैं, डिवेलप कर रहे हैं या उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको हमेशा आपने हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करना है। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि वो क्या करे, हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करे। अगर आपका प्रोडक्ट हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करेगा तभी आपके प्रोडक्ट की जो है वो वर्थ बनेगी। अगर आपने जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही लो क्वालिटी का बना दिया है, जो स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं आपका वो प्रोडक्ट जो है उन स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं कर रहा, तो वो प्रोडक्ट आपका किसी भी काम का नहीं होगा और मार्केट में भी उसको कोई भी वर्थ नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आप कोई अपना न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो स्टैंडर्ड है, वो आपके जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए हैं उनको जो है वो मीट करना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम जो है इसके ऊपर हायरार्की, हायरार्की के ऊपर ये क्या बात करते हैं, ये कहते हैं कि जब भी आप कोई जजमेंट लेते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, किसी भी जजमेंट के अंदर या डिसीजन के अंदर इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। आपको क्या है, हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए।
आपके फैसले के ऊपर आपके किसी भी बड़े हेड का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का, किसी भी तरह का कोई भी इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होना चाहिए। और अगर हम मैनेजमेंट के हवाले से देखें तो उसमें हमारे पास यहाँ उसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम मैनेजमेंट के हवाले से हमारे पास देखा जाए तो अगर आप जो है वो मैनेजर हैं और टीम को लीड कर रहे हैं तो उस केस में जो भी आपके डिसीजन हो, जो भी आपके मैनेजमेंट की अप्रोच हो, वो हमेशा एथिकल होनी चाहिए। आपकी जो भी अप्रोच हो, फॉर एग्जांपल हम ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मैनेजर हैं या आपकी एक टीम है, आप उस टीम के जो है वो क्या है, लीडर हैं, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो क्या होना चाहिए, हमेशा एथिकल होना चाहिए। ठीक है, यू कैन नॉट यूज योर फोर्स टू इन्फ्लुएंस अदर। ठीक है, आप लोगों से एक्स्ट्रा फेवर जो है वो डिमांड नहीं कर सकते। आपने इस बात का नजायज फायदा नहीं उठाना है कि जी आप जो है वो मैनेजर हैं तो टीम जो है आप उस टीम को लीड कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप टीम को लीड कर रहे हैं तो आप जो है लोगों से एक्स्ट्रा फेवर लें या उस बेस पे आप जो है उनसे कोई भी चीज जो है वो डिमांड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी काम होना चाहिए, जो भी चीजें होनी चाहिए वो एथिकल होनी चाहिए। आपकी अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास पीयर्स आ जाते हैं। पीयर्स के बारे में कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि एक तो आपने जो है प्रोफेशन की इंटेग्रिटी पर जो है या रेपुटेशन को हमेशा आपने क्या करना है, पब्लिक करना है या पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जो है वो क्या करना है, कंसिस्टेंस रखना है। ठीक है, अब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि कहता है कि आपका जो भी प्रोफेशन है, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने उसको देखना है कि आपकी रेपुटेशन जो है वो क्या हो, कंसिस्टेंट रहे। आपने उसकी इंटेग्रिटी को जो है वो तोड़ना नहीं है। जो भी पब्लिक इंटरेस्ट है आपने क्या करना है, उसी के साथ अपनी चीजों को हमेशा कंसिस्टेंस रखना है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, इसके अंदर जो दूसरी बात है, दूसरा जो आपने आपके जो अपने कोलीग्स हैं, ठीक है, अपने कोलीग्स के साथ या उनके साथ आपने हमेशा जो है वो फेयर रहना है और उनके साथ हमेशा सपोर्टिव भी रहना है। ठीक है, आपके कोलीग्स, जाहिर सी बात है जब भी हम कहीं पे काम करते हैं, हम ये भी बात करते हैं कि हम टीम वर्क में भी काम कर रहे हैं तो जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके कोलीग्स भी हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना यदि मेरे सब ऑर्डिनेंट हैं या कोलीग्स हैं, मैं लीडर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, आपने हमेशा उनके साथ जो है वो सपोर्टिव रहना है। और फेयर कैसे कह रहा है, कैसा नहीं कि आपको अगर कोई एक समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग काम करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। ऐसा नहीं करना कि अगर कोई एक पर्सन जो है वो काम बहुत स्पीडली कर रहा है, काम बहुत अच्छा कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो काम थोड़ा लेट कर रहा है आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं, आपने पूरी टीम को, सब लोगों को जो है वो क्या है, साथ में लेकर चलना है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी पूरी की पूरी टीम को जो है वो सपोर्ट करें और तमाम जितने भी आपके कोलीग्स हैं उन सबके साथ जो है आपने क्या करना है, हमेशा फेयर रहना है। और फिर हम सेल्फ की बात करते हैं। ठीक है, सेल्फ यानी आपके अपने बारे में। सेल्फ का मतलब क्या होता है, मैं खुद। अगर हम अपने अपने बारे में बात करें कि जो है आपके अपने बारे में कोड ऑफ एथिक्स जो है वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने परफॉर्म करनी है। लेकिन क्या कहते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अपने बारे में ये कहा जाता है कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने उनको क्या करना है, परफॉर्म करना है। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ आपने अपने लर्निंग को भी क्या करना है, प्रमोट करना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप जो है सिर्फ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और लर्निंग फेज को क्या है वो छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं आपने ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी लर्निंग को भी जो है वो प्रमोट करना है। और आपकी इन दोनों चीजों के अंदर हमेशा एथिकल अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो है सिर्फ प्रैक्टिकल काम में जो है अपने आप को जो है लगाई रख रहे हैं और लर्निंग से जो है आप बहुत पीछे हट गए। ऐसा नहीं है। आपको भी पता है लर्निंग का जो फेज होता है वो कभी भी कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता। आप जब तक चाहें सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं जी अब मैंने जो चीजें हैं वो बहुत सीख ली, अब जो है सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल काम करना है, तो वो कहते हैं आपके खुद के लिए ये अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि हमें पता है एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस के अंदर आए दिन कोई ना कोई न्यू चीज जो है वो इंट्रोड्यूस होती ही रहती है। तो अगर हम ये कह दें कि बस जितना हमने सीख लिया है उतना काफी है, अब हम बस यही काम जो है हमें आता है हम वही करते हैं, तो वो कहता है कि ये आपके खुद के लिए जो है वो ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि ठीक है आप प्रैक्टिकल काम तो कर रहे हैं बट अपनी लर्निंग को जो है वो स्टॉप ना करें। क्योंकि हम जब भी हो सकता है कि आपको कोई
नई चीज मिले तो आप क्या करें, आपको एक नया एक्सपीरियंस हो जाए, आपको सीखने को मिल जाए। तो सीखने से क्या होगा, आपको कोई न्यू चीज सीखने को मिलेगी तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। और हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं आपको उससे कोई और इजी टेक्निक मिल जाए जिसके थ्रू आप क्या कर सकें, काम कर सकें। तो इसके अंदर यही है कि आप अपने प्रैक्टिकल काम के साथ आपका जो अपना लर्निंग फेज है उसको आपने जो है वो स्टॉप नहीं करना। अब हम जो है इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं जो हमारे प्रिंसिपल हैं IEEE के कोड ऑफ एथिक्स के, वो क्या है, इसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है ऑलवेज एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ऑलवेज एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, जो भी हमने बात की है, ऑलवेज प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स, के हमेशा जो है आपने क्या करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को जो है वो क्या करना है, बनाना है या प्रोड्यूस करना है। ऑलवेज मेंटेन इंडिपेंडेंट जजमेंट, जो अभी हमने बात की है कि अगर आपको किसी भी फैसले पे जो है वो क्या करना पड़े, कोई जजमेंट करना पड़े, तो आपको उसके अंदर क्या है, फेयर रहना है। किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस जो है आपने उसके अंदर बेयर नहीं करना है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे आपकी मैनेजमेंट के हवाले से आपका फ्रेंड या रिलेटिव, कहीं कभी आपने जो है अपने जजमेंट के अंदर जो है हमेशा फेयर रहना है। कहता है ऑलवेज मैनेज एथिकली, हर चीज को आपने जो है वो एथिकली, यानी कि एथिक्स से बाहर निकल के आपने किसी चीज को मैनेज नहीं करना, अपने एथिक्स के अंदर रहते हुए आपने चीजों को क्या करना है, मैनेज करना है। ऑलवेज प्रोटेक्ट इंटेग्रिटी ऑफ प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन की इंटेग्रिटी को आपने जो है हमेशा महफूज करना है या प्रोटेक्ट करना है। ऑलवेज सपोर्ट कोलीग्स, अपने कोलीग्स को जो है हमेशा सपोर्ट करना है। ऑलवेज परस्यू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और आपके जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जो भी आपको बताया कि प्रैक्टिस के साथ साथ आपने अपने जो लर्निंग है उसको भी स्टॉप नहीं करना। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हमने अभी जो बात की थी वो थी IEEE के कोड ऑफ एथिक्स। अब हमारे पास एक और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ACM कंप्यूटिंग। अब हम क्या करते हैं, अब हम ACM कंप्यूटिंग के हवाले से या इसके जो बेसिकली जो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो ऑर्गेनाइजेशन ही जो क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं कंप्यूटिंग के प्रोफेशन को। ठीक है, इस प्रोफेशन के उन्होंने क्या था, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो क्या करते हैं इसके अंदर बताते हैं। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बताए होते हैं, वो कुछ जो है इसके अंदर जनरल आ जाते हैं, कुछ आपके प्रोफेशन के हवाले से आ जाते हैं, और कुछ आपकी लीडरशिप के हवाले से जो है रूल्स आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों सेक्शंस को जो है वो बारी बारी देख लेते हैं। उसने हमें तीन बातें बता दी हैं, अब हम तीनों को क्या करेंगे, बारी बारी देख लेंगे कि इसके अंदर जो है हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं जो वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, या कौन से वो एथिक्स हैं जो वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, और हमें बता रहा है कि आपने इन चीजों को जो है क्या करना है, फॉलो करना है। तो ACM कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली चीज है वो क्या है, वो है जनरल मॉरल इम्पेरेटिव्स। अब जनरल मॉरल इम्पेरेटिव्स में कहते हैं कि एज अ ACM मेंबर, ACM मेंबर की हैसियत से मैं करूंगा क्या करूंगा, कि इंसानों और सोसाइटी की भलाई के लिए काम करूंगा, मेरी जात से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, हमेशा दूसरों के लिए ईमानदारी और ट्रस्ट से काम लूंगी, और कहीं पर अगर चांस भी मिले तो किसी को डिस्क्रिमिनेट करने या किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का मौका भी मिले तो मैं उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगी। जो चीजें कॉपीराइटेड हैं या जो पेटेंट्स हैं उनको यूज नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी पायरेसी का ख्याल करना है। और अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो यू शुड गिव सम प्रॉपर क्रेडिट। जाहिर सी बात है, जब भी हम किसी की जो है प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रॉपर क्रेडिट देना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी जो हम कॉपीराइट और पेटेंट्स की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, कॉपीराइट और पेटेंट का मतलब है, कॉपीराइट का मतलब होता है किसी की बनाई हुई चीज, अगर हम किसी की बनाई हुई चीज को जो है उस पर्सन की इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बट अगर हमारी कंपनी जो है उनसे उसके कॉपीराइट्स ले ले तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं अगर कोई क्लेम भी करता है कि आपने जो काम किया है वो आपने जो है इनके कॉपीराइट या इनकी चीज को यूज करते हुए काम किया, तो हम वहां पे ये बात कह सकते हैं कि हमने उस कंपनी से उनके कॉपीराइट्स जो है वो क्या किए हुए हैं, परचेज किए हुए हैं, या उनके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है कि हम उनके कॉपीराइट्स को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पेटेंट है, पेटेंट भी हमारे पास क्या होते हैं, डिजाइन वगैरह होते हैं, मोबाइल के पेटेंट्स होते हैं। अगर एक मोबाइल ने कोई पेटेंट बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आईफोन ने बनाया या सैमसंग ने बनाया, तो आईफोन जो है
वो इस बात का मजाज नहीं है कि सैमसंग के पेटेंट को जो है उनकी इजाजत के बगैर जो है वो इस्तेमाल कर ले। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को लीगल जो है वो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं कि वो कुछ मुद्दत दे देते हैं, हो सकता है 1 साल की या 1 साल से ज्यादा। वो कहते हैं कि इस टाइम तक आप इस पेटेंट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे को बताए बगैर उसका पेटेंट चोरी करती है तो उसको जो है उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, बट सैमसंग ने आईफोन का पेटेंट चोरी किया था, ठीक है, तो उस पे जो है सैमसंग को एक बहुत बड़ी पेनल्टी जो है वो आईफोन को पे करनी पड़ी थी। अब उन्हें क्यों पेनल्टी पे करनी पड़ी, इसलिए पे करनी पड़ी क्योंकि वो जो पेटेंट था उसके थे कॉपीराइट थे या उसको यूज करने का जो हक था वो सिर्फ आईफोन के पास था, और सैमसंग ने क्या किया, उनकी विदाउट परमिशन थी उनके पेटेंट को जो है इस्तेमाल कर लिया। और जैसे ही आईफोन की कंपनी को एप्पल वालों को पता चला कि हमारा पेटेंट जो है सैमसंग वालों ने जो यूज किया है, उन्होंने क्या कर दिया, उनके खिलाफ अगेंस्ट जो है वो केस कर दिया, क्लेम कर दिया, तो जिसके अगेंस्ट सैमसंग को एक बहुत भारी पेनल्टी जो है वो आईफोन को पे करनी पड़ी। तो यहाँ पे भी कहते हैं कि हमें जो है इन चीजों का जो है खास ख्याल करना पड़ता है कि हम किसी के कॉपीराइट से किसी के पेटेंट्स का इस्तेमाल ना करें और ना ही किसी के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर क्रेडिट देना पड़ेगा कि हमने ये चीज है ये फलां की जो है वो इस्तेमाल की है। हमें वहां पे पूरे के पूरा जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, उनको बताए बगैर जो है हम इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इश्यूज जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं दूसरों की प्राइवेसी की कदर करें और उसके साथ ही जो कॉन्फिडेंशियलिटी है किसी भी चीज की, डेटा की, इम्प्लॉय की या ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हमेशा आप क्या करें, ऑनर करें, कभी भी उसको जो है वो डिसरिस्पेक्ट ना करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस भी कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आपने उनकी प्राइवेसी को क्या है हमेशा प्राइवेट ही रखना है, उनकी रिस्पेक्ट को जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप काम यहाँ कर रहे हैं और बाहर जाके जो है उनके कामों की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप जाके कहीं किसी और कंपनी को जो है वो प्रोवाइड कर दें, तो ये चीज अच्छी नहीं है। आपने इस चीज को जो है हमेशा फॉलो करना है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आपने उसको क्या करना है, प्राइवेसी का, उन चीजों की प्राइवेसी का ख्याल करना है और उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो रिस्पेक्ट देनी है कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप उनकी चीजों को जो है वो किसी और को नहीं बताएंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम जो है कुछ जनरल रूल्स जो है प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के उनको देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपने अपने प्रोफेशन के अंदर ये कोशिश करनी है कि यू विल गो टू द हाईएस्ट क्वालिटी प्रोसेस, ठीक है। कि आपने क्या करना है, आपने हाईएस्ट क्वालिटी प्रोसेस के अंदर जाना है और प्रोडक्ट के अंदर भी आपने अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना, अपनी कंपिटेंसी को बढ़ाना है या एक्सटेंड करना है, एक स्टैंडर्ड लेकर आए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लेकर आए, चीजों को क्या करें, एक्वायर करें और उसको मेंटेन भी करें, और हमेशा जो आपके लाज हैं प्रोफेशन वर्क के उसके ऊपर आपने जो भी चीजें हैं, आप कहते हैं कि आप प्रोफेशनल वर्क काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो उसमें हमने भी बात की थी रूल्स एंड रेगुलेशन की। तो वो कहते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपने क्या करना है, साथ साथ अपने लाज को भी एक्सेप्ट करें और उनको मेंटेन भी करें। अपने लाज को जो है वो आपने तोड़ना नहीं है, उनको मेंटेन करना है, और जहां पर आपको एक कोई आप कह दे कि जी कोई प्रोफेशनल रिव्यू दिया जाता है, आपको जो है एक प्रोफेशनल रिव्यू दिया जाता है, उसको आपने ओपनली जो है वो क्या करना है, एक्सेप्ट करें। और जहां पर आपसे पूछा जाता है कि यू शुड प्रोवाइड रिव्यू ऑफ दिस थिंग, यू शुड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसके बारे में या इस प्रोडक्ट के बारे में आप हमें अपनी राय दें, तो आपकी जो राय है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। और जब आपसे कोई एवेल्युएशन पूछी जाए या आपको एवेल्युएशन प्रोवाइड करनी हो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की या किसी सॉफ्टवेयर की, तो उसमें जो है आप क्या करें, हमेशा ऑनेस्ट रहें अबाउट इट, ठीक है। उसकी थ्रू आउट या थोरोली आपने क्या है जो एवेल्युएशन करनी है इस सब चीजों की, कोई भी चीज जो है आपने उसके अंदर मिस नहीं करनी। आपसे जिस भी चीज के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि हमें इस चीज की एवेल्युएशन दें, चाहे वो कोई सिस्टम है आपका, चाहे वो कोई आपका प्रोडक्ट है, तो आपने ऑनेस्टली उस चीज की जो है उनको वैल्यूएशन देनी है। उसके अंदर जो है आपने कोई भी जो चीज है उसको मिस नहीं करना है। उसके अलावा उसके जो एसोसिएट रिस्क होते हैं, जब भी कोई काम करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि उसके साथ जो है उसके कुछ
एसोसिएटेड जो रिस्क होते हैं उनको भी आपने क्या करना है या उनको आपने क्या करें, उनको स्टडी करें और उनको एनालाइज करें और उनको भी लिस्ट डाउन करें, और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर या जो एग्रीमेंट होते हैं कंपनीज के साथ और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन की जाती है, आप उनको भी एक्सेप्ट करें, उनको ऑनर करें, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं कंप्यूटिंग प्रोफेशन से और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो काम दिया जा रहा है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आपका क्या काम बनता है कि आपकी जो भी पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट सॉफ्टवेयर, अबाउट कंप्यूटिंग प्रोफेशन, आपने उसको इन्हांस करने की जो है वो पूरी की पूरी कोशिश करनी है जब भी आपको चांस मिले। और अगर आपको कभी प्रोफेशनल या पर्सनल काम के लिए किसी कंप्यूटिंग रिसोर्स की जो है वो जरूरत पड़े तो आपने उसको क्या करना है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट ऑथोराइज टू डू दैट, तो आप उस चीज के लिए ऑथोराइज नहीं हैं कि आप उन रिसोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि आपको उन रिसोर्सेज की जो है वो एक्सेस नहीं दी। तो बात नहीं कही कि सिर्फ आप अपने पर्सनल काम के लिए, इसके अंदर वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पर्सनल, उसने कहा कि अगर पर्सनल काम है या प्रोफेशनल काम है और आपने क्या है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज करना है और आप उस चीज के लिए ऑथोराइज नहीं हैं तो आप उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप उस चीज के लिए ऑथोराइज नहीं हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस चीज को यूज ना करें। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है वो कहते हैं कि काम, हम तो काम कर रहे हैं ना, चाहे काम कहेंगे काम कंपनी का ही है, बट कंपनी का काम है, लेकिन आपको वहां पे क्या है कुछ चीजों की लिमिटेशन भी बता दी गई है कि ये चीजें आपके लिए नहीं है, आपने इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो है बात जो है बहुत ही क्लियरली बता दी है कि आपने उन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो चीजें पर्सनल आपके पर्सनल काम के लिए है या प्रोफेशनल के लिए। जिन रिसोर्सेज पे आपकी ऑथोराइजेशन नहीं है उन रिसोर्सेज को जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ तक जो हमारी बात आ गई है वो किसकी थी? प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब हम कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि लीडरशिप के हवाले से एसीएम के मेंबर्स को या ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को कोड ऑफ एथिक्स के बारे में वो क्या कहते हैं। हम यहाँ पे अब जो है लीडर्स के बारे में, लीडरशिप के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये कि आप आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको डिफाइन करना है, दूसरा ये कि उनको इनकरेज करना है कि वो उसको एक्सेप्ट करें, और आपने इस तरह से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है और इस तरह की इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है या इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड करने हैं जिससे आपकी वर्किंग लाइफ क्वालिटी जो है वो क्या हो सके, इन्हांस हो सके। आपके पास जितने आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं आपने उनको प्रॉपरली यूज करना है, आपने उनको एक्नॉलेज करना है और अपनी ऑथराइजेशन की लिमिट के अंदर रहना है। जिस तरह अभी हमने पहली बात की थी कि आपने अपने ऑथराइजेशन की लिमिट से बाहर नहीं जाना है, आपके पास जितने आपके खुद के पास, डेफिनेटली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उन्होंने आपको भी कोई ना कोई रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए होंगे। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपने अपने लिमिट के अंदर रहते हुए जो भी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपने उनके अंदर क्या करना है, काम करना है और उनको क्या करना है, एक्नॉलेज करना है। ठीक हो गया। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि जो आपके यूजर हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो आपके पास जब भी क्लाइंट आता है ना तो हम क्या करते हैं, हम उससे रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियरली पूछते हैं। क्यों क्लियरली पूछते हैं? आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा, वहां पे क्या होता है समटाइम हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट आते हैं वो हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे जाते हैं जिसके मीनिंग जो है वो डबल होते हैं। समटाइम हम बात करते हैं कोई वर्ड या कोई हमारे पास एक जुमला ऐसा आ जाता है जो हम बोलते हैं उसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि आपके पास जो आप सॉफ्टवेयर डिवेल्प कर रहे हैं आपके पास उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई एम्बिगिटी ना रहे, कोई भी चीज डबल मीनिंग ना हो। क्यों? क्योंकि इसका हमारे पास एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है
इन केस आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपने उससे बात पूछी है, आपने इस बात पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया कि वो क्या कहना चाह रहा है. पॉसिबल है कि जो चीज आप समझ रहे हैं वो कुछ और है और जो वो कह रहा है वो कुछ और है. अब आप क्या करें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को क्या कर दें, डिवेलप कर दें. ठीक है, जब आपके पास क्लाइंट आएगा वो सॉफ्टवेयर देखेगा, ठीक है, वो कहेगा मैंने आपको तो ये नहीं कहा था, मैंने आपको ये कहा था, तो फिर क्या होगा, आपके लिए मजीद इशू क्रिएट होगा. तो फिर क्या होगा, पॉसिबल है कि आपको वो सॉफ्टवेयर दोबारा बनाना पड़ जाए. ठीक है, या ये भी पॉसिबल है आप सॉफ्टवेयर दोबारा ना बनाएं. आप दोबारा नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वो पर्सन जो है वो मार्केट में जाएगा, एक पर्सन है वो 10 लोगों को बताएगा, जी मैंने इन कंपनी को जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा था और इसने जो है मेरे साथ ऐसा फ्रॉड कर दिया, मैंने इसको ऐसे कहा था और उसने जो है मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया. इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डिवेल्प करते हैं तो आप जो है पहले क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे. मीटिंग करने के बाद आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो भी वो आपको रिक्वायरमेंट देगा वो रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही एक्यूरेट और क्लियर होनी चाहिए. उसके अंदर कोई भी एम्बिगिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई एम्बिगिटी होगी तो उसका इफेक्ट जो है बाद में आप पर ही पड़ेगा कि आपने जो है उसको इस तरह का सॉफ्टवेयर बना के दे दिया या कुछ और भी. और वैसे भी बाद में आपने उन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से उनको वैलिडेट भी तो करना होता है ना. डेफिनेटली जब वो यूजर आएगा तो आप क्या करते हैं, जब मैसेजिंग देते हैं हम टेस्टिंग करने के बाद उसको पूरे का पूरा जो है वो इम्प्लीमेंट भी करके देते हैं. तो वो यूजर आएगा, आप उसे इम्प्लीमेंट करके देंगे तो वही शोर मचाना शुरू कर देगा, जी ये चीज ऐसे तो नहीं थी, मैंने ऐसे तो नहीं कहा था. तो हमारे लिए बाद में कोई इशू ना हो इसलिए चीजें जो है हमारे पास पहले ही बहुत ही क्लियर होनी चाहिए. ठीक हो गया. उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, और अब आपने ऐसी पॉलिसी जो कि यूजर की डिग्निटी को सपोर्ट कर रही हो, प्रोटेक्ट कर रही हो, आपने उनके ऊपर भी काम करना है, या आपको उनके ऊपर भी काम करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको आर्टिकुलेट करना चाहिए. ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, आपने उन सबके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो सीखें. क्या सीखें, के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किसके, उनकी जॉब के, कि वो जो जॉब कर रहे हैं उनके जॉब के जो है वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी जॉब की लिमिटेशंस क्या हैं, उन्होंने अपनी जॉब को किस तरह से करना है, किस तरह से इस प्रोफेशन के अंदर आपने जो है अपने आप को बेटर करना है. ये सारी चीजें जो है आपने उनको बतानी है. क्यों, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमारे पास इसके अंदर ही आती हैं. अगर आपको अपनी जॉब के बारे में ही नहीं पता, आपको अपनी जॉब की लिमिटेशंस का ही नहीं पता, तो आप आगे कैसे जा सकेंगे. अगर आपको अपनी जॉब की लिमिटेशंस का पता है, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी का आपको पता है कि ये लिमिटेशन है, मैंने काम ऐसे ऐसे करना है, और आप अपना काम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आपके पास नेक्स्ट चांस होता है कि हो सकता है आपका इतना अच्छा काम देख के नेक्स्ट आपको जो है वो प्रमोट कर दिया जाए. लेकिन अगर आपको अपनी जॉब की लिमिटेशंस का नहीं पता, आपको अपने प्रिंसिपल्स का ही नहीं पता, आप उन चीजों को वायलेट कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट जो है वो प्रमोट कैसे होंगे. इनसे तो जो इनको अपना काम दिया गया है इनसे तो वो मैनेज नहीं होता, तो ये दूसरा काम जो है वो कैसे करेंगे. तो इस चीज को आपने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपने ये चीज देखनी है कि आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं और आपके जॉब के जो है वो लिमिटेशंस क्या हैं. क्योंकि आप कभी भी अपने जॉब के जो लिमिटेशंस हैं उनको क्रॉस नहीं करेंगे. अगर आप ऐसा करते हैं, अपने जॉब की लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं, तो ये जो चीज है ये आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है. ठीक हो गया. अब जो है हम नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें जो है हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, हम उसको देख लेते हैं. इसमें इसमें क्या है, इसमें ये है कि मैंने ना सिर्फ इसको प्रमोट और अपहोल्ड करना है, बल्कि अगर कोई वॉयलेशन हो जाती है, कोई रूल वॉयलेट हो जाता है, तो उसको भी अकॉर्डिंगली सिचुएशन जो है उसको क्या करना है, ट्रीट करना है. हमने जो है इस चीजों को देखा कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, मैंने ये नहीं करना कि मैंने हमारे पास जो कोड ऑफ प्रिंसिपल्स हैं उनको जस्ट प्रमोट करना है या अपहोल्ड करना, नहीं. वो कहते हैं कि अगर कोई जो कोड है हमारे पास वो क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, तो इस चीज को भी मेक श्योर करना है कि अगर कोड वॉयलेट हो गया है तो किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है इस चीज को जो है हम ठीक कर सकते हैं. ये जो है इसका हमारे पास था लास्ट पॉइंट था जो हमने जो है इसके अंदर देखा है. ठीक हो गया. इस यहाँ तक आप लोगों को जो है मजीद मतलब बातें जो है वो समझ आ गई होंगी. अब जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं. यहाँ तक जो है अभी हमने दो कोड ऑफ एथिक्स जो है हमने देख लिए हैं. कौन कौन से देखे हैं, एक हमने IEEE देख लिया था और दूसरा जो है हमने ACM देखा.
ये जो दोनों हैं IEEE और ACM, ये दो हाईएस्ट स्टैंडर्ड हैं हमारे कंप्यूटिंग फील्ड के, हमारे कंप्यूटिंग फील्ड में. अब हम जो है कुछ एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपके प्रोफेशन के अंदर जो है या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हम एथिकल डिसीजन मेकिंग जो है हम करते हैं या हमें करनी पड़ सकती है, तो उन चीज़ों को जो है हम क्या करते हैं स्टडी कर लेते हैं. अब ये जो रियल लाइफ सिनेरियो है ना हमारे पास ये आ गए हैं. अभी जो था हमने दोनों कोड ऑफ एथिक्स जो है देख लिए है ना कि दोनों कोड ऑफ एथिक्स में उसने हमें कौन कौन सी चीजें बताई थी. फिर हमने ये भी देखा, हमने 9 गोल्स देखे थे. उन 9 गोल्स के अंदर जो है हमारे पास पॉइंट कुछ चीजें लिखी थी, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे. वो सारे के सारे पॉइंट जो है आपको इन सब केसेस के अंदर जो है वो नजर आ जाएंगे. ये हमारे पास कुछ सिनेरियोज हैं, रियल लाइफ सिनेरियोज हैं जिसके अंदर जो है आपको अब अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि हम किस तरह के जो है वो एथिक्स की बात जो है वो कर रहे हैं. ठीक हो गया. चलिए अब हम जो है हमारे पास केस नंबर 1 उसको जो है हम स्टडी करते हैं कि केस नंबर 1 क्या है. अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, वो क्या कह रहे हैं, कहता अली एक डेटाबेस प्रोग्रामर है और उसकी कंपनी को एक बड़ा स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो है वो चाहिए. स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर कैसे, लाइक वो कहते हैं जी हमारे पास एक्सेल है, हमारे पास जो है वो एक्सेल है, MS Excel है या SPSS. ये हमारे पास क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स को डील करते हैं. ठीक है, तो और जो हमारे पास वहाँ पे प्रोग्रामर है और जो वहाँ के प्रोग्रामर हैं वो कहते हैं कि अगर वो किसी भी तरह का काम करते हैं तो उनके काम को आपने क्या करना है, इनकरेज करना है और उनके काम को पब्लिक करना है. कैसे, सॉफ्टवेयर कंपनी है ना वहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर काम तो हो रहा है. तो उसमें उसने दो बातें कह दी, एक तो उन्होंने कहा कि उनको एक सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है जरूरत है. पहली बात ये ठीक है जी, कौन किस तरह का, वो कहते हैं जी ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा उनके सारे स्टैटिस्टिकल काम जो है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा. दूसरी बात उन्होंने इसके अंदर बोली है कि उस कंपनी के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे प्रोग्रामर्स होंगे, ऐसा तो नहीं कि किसी कंपनी के अंदर जो है वो एक ही एम्प्लॉय हो. नहीं, अब हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी है, इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रोग्राम्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं. तो वो कहते हैं कि अगर वहाँ पे कोई प्रोग्रामर्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपने उनके काम को क्या करना, इनकरेज करना, डिस्करेज नहीं करना. कैसे करेज करना, इस तरह करेज करना है कि उन्होंने, उन प्रोग्रामर्स ने जो भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, आप सॉफ्टवेयर को क्या करें, पब्लिक करें, उनके नाम से क्या करें, पब्लिक करें कि उन्होंने जो है वो क्या है सॉफ्टवेयर बनाया है. हाँ जी, ठीक हो गया. तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वर्कर्स, उन्होंने कहा कि वहाँ पे प्रोग्रामर्स हैं, अगर वो कोई सॉफ्टवेयर डिवेलप करते हैं उनको क्या करें, इनकरेज करें और उनका जो सॉफ्टवेयर है उसको वो क्या करें, पब्लिक करें. ठीक हो गई, यहाँ तक बात हो गई. अब जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर वो क्या कहता है, कहते हैं कि अली जो है वो अब किसी प्रॉब्लम में फंस गया है या उसे किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी है, किसी प्रॉब्लम में वो क्या हो गया है, स्टक हो गया है. ठीक है, वो काफी अरसे से या काफी महीनों से क्या है उस पर काम कर रहा है, उस पर अपने एफर्ट जो है वो पुट कर रहा है, बहुत टाइम हो गया है लेकिन उसका जो काम है वो जो है नहीं हो रहा. वो बहुत टाइम से बहुत मेथड के साथ जो है उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका जो काम है वहीं का वहीं स्टक हुआ है, उसका वो जो काम है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है. और जो उसके मैनेजर है, जाहिर सी बात है अली के ऊपर भी तो कोई ना कोई पर्सन काम कर रहा है, तो जो उसकी मैनेजर है वो क्या कर रही है, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही. ठीक है, और उसको क्या कह रही है, उसको कह रही है कि आपको जो है वो कुछ, मैं कुछ दिन दे रही हूँ, इन दिनों के अंदर अंदर आपने जो है अपने काम को कंप्लीट करना है. ठीक है, अब उसने क्या है उसको टारगेट दे दिया, उसने कहा जी आप बहुत टाइम से बहुत महीनों से जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं बट आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीट नहीं हुआ, तो मैं आपको कुछ दिन और दे रही हूँ, आपने अपने इस टास्क को या अपने इस प्रोजेक्ट को जो है वो हर हाल में जो है वो कंप्लीट करना है. अब क्या हुआ, अब अली को याद आता है, अली कुछ रिमेम्बर करता है. क्या रिमेम्बर करता है कि उसके जो को वर्कर्स हैं या वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने उसको कोई सोर्स प्रोवाइड किए थे, जो उन्होंने अपने इस करंट वीक में अपने गोल्स अकम्प्लिश किए हैं उसके साथ ही उसके पास उन्होंने कहा कंपनी है सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें क्या है बहुत सारे वर्कर्स हैं. ठीक है, अब उन वर्कर्स ने क्या किया, अपना अपना काम किया, अपना काम करने के बाद वो जो सोर्सेस है ना उन्होंने क्या किया, वो अली को प्रोवाइड कर दिए. अली को ये बात याद आ जाती है, एक बात तो ये कि उसके जो को वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया है अली को अपने सोर्सेज जो है प्रोवाइड किए हैं. दूसरी बात जो अली याद आती है वो ये आती है कि उसके पास एक ऐसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर की एक अर्लियर वर्जन की कॉपी पड़ी है
जो उसने किसी और कंपनी के लिए जो क्या किया था, डिवेल्प किया था, ठीक है, उसने किसी और कंपनी। अब अली को दो बातें याद आई, दो बातें कौन सी, एक बात ये कि उसके पास क्या है, सोर्स पड़े हैं किसके, अपने को वर्कर्स के, उन टास्क से, उन टास्क के जो उन्होंने किसी वीक में कंप्लीट किए हैं। दूसरी बात उसको याद आई है, वो क्या याद आई है कि उसके पास एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर पड़ा है जो उसने किसी और कंपनी के लिए जो है वो डिवेल्प किया था, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब अली ने क्या किया यहाँ पे, अब अली क्या करेगा, इन दोनों को स्टडी करता है और उनको अपने प्रोग्राम में क्या करता है, यूज करता है। अली ने क्या किया, उसके पास दो चीजें आई थी, उसने क्या किया उन दोनों कोड को स्टडी किया और अपने प्रोग्राम के अंदर उसको क्या कर लिया, कोड कर दिया। ही डज नॉट टेल एनीवन और नॉट मेंशन इन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसने ये जो बात है वो किसी को भी नहीं बताई और ना ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस चीज को जो है उसने रेफर किया। उसने इस चीज को क्या कर लिया, छुपा लिया, कि उसने क्या किया है अपने को वर्कर्स के कोड को और उस प्रोजेक्ट को, उस कमर्शियल सॉफ्टवेयर को जो उसने किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया था, उसने उन कोड्स को क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है, या उनकी कोड्स को उसने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर लिया है, और यूज करने के बाद उसने ये बात ना तो किसी को बताई है और ना ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है उसने ये बात जो है वो मेंशन की है। अब क्या हुआ, उसने जो है वक्त से पहले अपना काम जो है, अली ने अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसने अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्या कर लिया, कंप्लीट भी कर लिया, बना लिया, या उसको कंप्लीट करने के बाद, बनाने के बाद वो क्या कर देता है, सबमिट कर देता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से इस केस के अंदर आपके क्या ऑब्जर्वेशन। अब जो सारी बातें हैं, हमने इस केस को जो है बहुत ही अच्छे से डीपली जो है हमने क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। अब आपको क्या अंडरस्टैंड हो रहा है, हर किसी के माइंड में क्या बात आ रही होगी कि अब जो है कोड ऑफ एथिक्स को हमने क्या करना है, नजरअंदाज नहीं करना, हमने कोड ऑफ एथिक्स के अंदर रहते हुए क्या देखना है कि अब इस सिनेरियो के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, अली ने जो काम किया है इस काम के अगेंस्ट क्या होना चाहिए। चलें अब जो है हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, इस पर चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। इस केस में जो मेजर चीज हमें नजर आ रही है वो क्या है, या मेजर इशू जो है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है। यहाँ पे हमारे पास जो मेजर इशू है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है, या इंटेलेक्चुअल राइट्स के जो है इशू इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं। अली ने क्या किया है, प्रोफेशनल एथिक्स को दो एरियाज में वायलेट किया है। उसके जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना अली के, उसने उन प्रोफेशनल एथिक्स को दो एरियाज में क्या कर दिया है, वायलेट कर दिया है। अब वो देखेंगे जी किस तरह से उसने दो एरियाज में अपने कोर्स ऑफ एथिक्स को जो वायलेट किया है। एक तो ये कि अली के जो को वर्कर थे, या उसके जो को वर्कर थे, उन्होंने उसको क्या किया था, कोड दिए थे, वो अली ने क्या कर लिए, अपने कोड के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर लिए हैं या यूज कर लिए हैं। और दूसरा क्या किया था उसने, दूसरा ये किया था कि उसके पास जो सॉफ्टवेयर पैकेज पड़ा हुआ था, सॉफ्टवेयर कंपनी का जो उसने कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाया था, उसका कोड भी जो है उसने क्या कर लिया था, यूज कर लिया था, उसका कोड भी उसने क्या कर लिया था, यूज कर लिया था, जो कॉपीराइटेड, ठीक हो गया। तो ये दो मेजर इश्यूज आ गए हैं कि इस काम के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। अब अगर हम ये कहते हैं कि अली ऐसा करता, या ऐसा पॉसिबल था कि अली सिर्फ अपने को वर्कर के कोड को देख के यूज कर लेता, तो उसको कोई भी ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं होती, तो क्या ये चीज आपके नजर में ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अली सिर्फ ये काम करता कि उसके जो को वर्कर ने उसको सोर्स दिए थे ना, अली सिर्फ क्या करता, उस सोर्स को देख लेता और काम कर लेता, तो उसको जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी ऑब्लिगेशन जो है वो ना होती। तो क्या ये चीज ठीक है कि उसके जो है अपने को वर्कर के साथ जो है वो क्या करता, हेल्प ले लेता। नहीं, ऐसा नहीं है। यू शुड एक्नॉलेज दैट क्रेडिट इन द डॉक्यूमेंटेशन। आपको क्या है, एक प्रॉपर क्रेडिट देना होता है, आपको बताना होता है कि आई एम एक्नॉलेज द पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे उसने क्या किया है, अपने को वर्कर के सोर्स कोड या अपने को वर्कर के कोड को क्या किया, इस्तेमाल किया, चाहे देखा भी है, वो कहते हैं देखा भी है, तो यहाँ पे क्या है, उसने उन को वर्कर्स को क्या है, एक्नॉलेज करना है, या उस चीज का क्या है, क्रेडिट देना है कि ये जो काम है ये उन्होंने किया है। ये चीज बिल्कुल गलत है, या हम ये नहीं कह सकते कि वो उनके कोड को देख के जो है अपना काम
कर लेता, ठीक हो गया। अब जो है हम इसको नेक्स्ट देखते हैं, और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट बात है, जहां तक बात आ जाती है कमर्शियल सॉफ्टवेयर की, तो अली ने ये चेक करना था कि क्या उसकी कंपनी ऑथोराइज है वो कोड यूज करने की, जिस तरह अभी हमने बात की थी कॉपीराइट्स की, कि कॉपीराइट्स जो है किसी कंपनी की सिर्फ वो कंपनी यूज कर सकती है जो ऑथोराइज, अगर वो ऑथोराइज है तो इस्तेमाल कर सकती है। तो सबसे पहले अली को क्या करना चाहिए था, अली को ये बात चेक करनी चाहिए थी कि क्या उसकी कंपनी ऑथोराइज है उन कोड को यूज करने की या नहीं, ठीक है। अगर वो ऑथोराइज होती तो अली क्या करता, उन कोड को जो है इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है। तो हम इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जब इंटेलेक्चुअल मटेरियल की बात आती है, यू कैन शेयर, यू कैन एक्सचेंज, बट यू शुड ऑलवेज एक्नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, ये बात आ जाती है कि आप जो भी चीज शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो आपको क्या करना है, उस चीज को एक्नॉलेज करना है। ये बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, बस ये वाला थोड़ा सा जो है ना, हम इस केस को स्टडी कर लें उसके बाद, ठीक हो गया। सेकेंडली इसके अंदर जो चीज आती है वो आती है दोज हु आर कॉपीराइटेड, यू जस्ट कैन नॉट यूज देम इन योर कोड, इट इज डेफिनेटली वायोलेशन ऑफ द कोड। तो अब वो क्या है, कहते हैं वो चीजें जो कॉपीराइटेड हैं उनको जो है आप अपने कोड के अंदर जो है इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप कोड के अंदर, अपने कोड के अंदर वो कॉपीराइटेड चीजें इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो क्या किया है, कोड को वायलेट किया है। तो ये केस हमें एक्सप्लेन करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और किस तरह से वो अफेक्ट हो सकते हैं और किसी भी रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर। ये चीज थी हमारी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एक सिनेरियो देख लिया है, अब हम क्या करते हैं, हम इसका जो नेक्स्ट केस है उसको जो है हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे इस केस के अंदर हमारे पास एक कंपनी है जो कि कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को एक सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो क्या करती है, बिल्ड करके देती है। अब एक या कोई क्लाइंट उनके पास आता है, उनको कहता है कि जी उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना है, बट उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना वो ठीक नहीं है, तो वो क्या डिसाइड करते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है ना थोड़ी लेस सिक्योरिटी वाला जो है सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड करवा लेते हैं। अब ये सारी डिस्कशन जो है उस कंपनी की सीईओ आयशा के साथ होती है और वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो बताते हैं, तो वो आयशा को बताते हैं कि उन्होंने किस तरह की इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करना है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है और जो है वीक सिक्योरिटी के साथ ना उसके अंदर जो है वहाँ पे बहुत सारे जो है वो इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। क्या इश्यूज आ सकते हैं, उनमें से एक तो ये कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक्सेस का इशू हो सकता है, वो वर्क स्टेशन पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, या दूसरा ऑनलाइन इंट्रूडर्स जो होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सीईओ है वहाँ पे आयशा, वो क्या कहती है या उसका क्या ख्याल है, कहती है कि जो मेरे ख्याल से जो सिस्टम है ना, आपके इस सिस्टम को जो है वो हाई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है रेदर देन लेस सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम जो है लेस सिक्योरिटी वाला सिस्टम बनाएंगे तो वो क्या करती है, वो उसके रिस्क को है वो एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश भी करती है, लेकिन जो कंपनी है इज नॉट लिसनिंग, कंपनी वाले जो है वो क्या करते हैं, इसकी बात नहीं सुनते हैं। तो अब इस केस में जो है वो आयशा को क्या करना चाहिए, क्या उसको सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए या सॉफ्टवेयर बनाने से इनकार कर देना चाहिए, अब उसे क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए या नहीं, क्या था इस केस टू के सिनेरियो के अंदर, दोबारा सुन लें यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है केस टू के अंदर कि एक कंपनी है, वो कंपनी क्या चाहती है, एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहती है, लेकिन उस कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या करें, एक लेस सिक्योरिटी वाला सिस्टम जो है वो बना लें। ये सारे डिस्कशन जो वो क्लाइंट है वो क्या करता है, उस कंपनी की सीईओ आयशा, जो कि सीईओ उसका नाम है आयशा, उसके साथ डिस्कशन करता है और उन्हें बताता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे स्टोर करवाना चाहते हैं। आयशा को पता चलता है कि ये जो क्लाइंट है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो उनको यही सजेस्ट करती है कि इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आप जो है वो वीक जो है सिक्योरिटी वाला सिस्टम या लेस सिक्योरिटी वाला सिस्टम ना बनाए, क्योंकि अगर आप इस तरह का सिस्टम बनाएंगे तो आपके ही इम्प्लॉयज को सिस्टम को जो है वो चलाने में इश्यूज आ सकता है, वो जो है सिर्फ वर्क स्टेशन पे जिस जगह पे वो काम करें उस पे वो क्या कर सकते हैं, उसको
इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा जो इंट्रूडर्स हैं, यानी कि जिस तरह वो इंट्रूडर्स का मतलब होता है घुसने वाले, जिस तरह हमारे पास हैकर द्वारा होते हैं ऑनलाइन, वो क्या कर सकते हैं प्राइवेसी या सिक्योरिटी लेस होने की वजह से जो है वो आपके सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो आप लोगों को एक पूरा सिनेरियो बताया है, इस सिनेरियो से आप क्या समझते हैं, आयशा को क्या करना चाहिए, जो कंपनी की सीईओ है उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको सिस्टम बना के देना चाहिए या नहीं? अब जो है हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट जो है वो करके देखते हैं कि क्या है। अब इस केस को अगर हम आगे लेकर चलते हैं, अब ये केस हमें क्या बता रहा है, ये केस हमें प्राइवेसी के इश्यूज को जो है वो क्या कर रहा है, हाईलाइट करके बता रहा है। अब यहाँ प्राइवेसी की बात आ गई है। पहली बात तो ये कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनकी एक ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने अपने इम्प्लॉयज की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो जो है इन एडिक्वेट सिक्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इस सिनेरियो में जो आयशा है उसकी ऑब्लिगेशन क्या बनती है, ये क्या बन जाती है, एक तो ये कि वो अटेम्प्ट करे कि उन लोगों को एजुकेट करे, उन लोगों को बताने की कोशिश करे, उनको समझाने की कोशिश जो है वो क्या करे, पूरी मुमकिन कोशिश करे कि ये चीज ऐसे पॉसिबल नहीं है, यू नीड हाई सिक्योरिटी। उनको वो क्या करे, उस चीज को एक्सप्लेन करे, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे। और अगर आयशा जो है उस कंपनी को या उन क्लाइंट्स को जो है ये बातें समझाने में फेल हो जाती है तो क्या होगा, तो फिर इस केस में उसे क्या होगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑब्लिगेशन है उनको क्या है उसने ध्यान में रखना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो क्या करना है, फुलफिल करना है। सबसे पहली बात उन्होंने हमें दो बातें बता दी, कंपनी के ऑफिशियल बता दिए और आयशा की जो ऑब्लिगेशन है वो भी बता दिए। उन्होंने कहा कि कंपनी का ये राइट बनता है कि वो क्या करें, इम्प्लॉय की प्राइवेसी को जो है वो प्रोटेक्ट करें, ठीक है, और इस तरह के जो है कम सिक्योरिटी वाले सिस्टम को जो है वो एक्सेप्ट ना करें। कंपनी का जो है वो क्या है, राइट है कि वो इस तरह की चीजों को जो एक्सेप्ट ना करें। अगर वो सिस्टम बना रहे हैं तो वो हाई सिक्योरिटी वाला सिस्टम बनाए। बात है वो आयशा की तरफ आ जाती है कि जो सीईओ है उसका क्या काम बनता है, सीईओ का काम बनता है कि वो उन लोगों को क्या करे, समझाए, उनको समझाने की कोशिश करे कि आप जो है वो काम ना करें इस तरह से, आपके जो इम्प्लॉयज हैं उनकी प्राइवेसी क्या हो सकती है, लीक हो सकती है। बट अगर वो उस कंपनी को जो है ये सारी बताने बातें जो है समझाने में नाकाम हो जाती है या फेल हो जाती है तो उसका क्या काम बनता है। अब जो है हमारे पास उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तो है नहीं, बट शी में है अप टू चूज बिटवीन हर कॉन्ट्रैक्ट एंड हर ऑब्लिगेशन टू ऑनर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ठीक हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट केस, अब हम क्या करते हैं, एक और केस की तरफ आते हैं। दो केसेस को जो है हमने क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है। स्टडी करने के बाद चले अब हम क्या करते हैं, एक और केस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो चीजें हैं ना आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएं कि हम जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं और जो चीजें रियल टाइम में इम्प्लीमेंट होंगी वो कैसे होंगी। यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास एक डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है, उस डेवलपमेंटल कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो है किसी एजेंसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। बेसिकली दे नीड सम रिक्रूटमेंट सिस्टम, उनको क्या है, एक रिक्रूटमेंट सिस्टम की जो है वो जरूरत है। अब उनका कोई भी जो है रिक्रूटमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करते हैं, कर रहे हैं, बनवाना चाह रहे हैं, और जिसमें वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते हैं। किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि जो एप्लीकेशन होनी चाहिए वो एप्लीकेशन किस तरह की होनी चाहिए, एप्लीकेशन का डेटा कहाँ पर स्टोर होना चाहिए और किस तरह से वो पार्टिकुलर जॉब से मैच होना चाहिए। वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। अब जब वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट बताते हैं, इन रिक्वायरमेंट के साथ क्लाइंट एक रिक्वायरमेंट ये भी बताता है कि वाइट पीपल जो हैं उनके नाम जो हैं वो टॉप पर होने चाहिए विद एनी नॉन वाइट पीपल। वो कहता है जो वाइट पीपल हैं उनके नाम जो हैं एज कंपेयर टू नॉन वाइट पीपल जो हैं वो क्या होने चाहिए, टॉप पर होने चाहिए। सेम इसी तरीके से वो ये भी कहता है कि जब लिस्ट बने तो जो मेल्स हैं वो क्या हो, लिस्ट में ऊपर हो रेदर देन फीमेल्स। अब इस केस में क्या होगा, अब उसने यहाँ पे क्या है बात बताई है कि क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या कर रहा है, किसी एक कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब उन्हें क्या चाहिए, एक रिक्रूटमेंट जो है सॉफ्टवेयर उन्होंने बनवाना है। अब रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर जब उन्होंने बनाना है, हमें पता है अभी हमने पहले भी बात की थी कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जिस टाइम उसने रिक्वायरमेंट पूछी तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो है एप्लीकेशन किस तरह की होनी चाहिए, एप्लीकेशन का डाटा कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन किस जॉब के साथ मैच होनी चाहिए,
वो सारी चीजें जो है उसने क्या है वहां पे बता दी थी, ये काम ऐसे ऐसे होना चाहिए। बट इन सब रिक्वायरमेंट के साथ उसने एक और रिक्वायरमेंट भी बताई। वो रिक्वायरमेंट क्या थी, उसने क्या कहा कि व्हाइट पीपल्स को आपने क्या करना है, टॉप पर रखना है इसके निस्बत ब्लैक पीपल्स के। दूसरी बात उसने क्या की, उसने कहा कि जो मेल्स एप्लीकेंट हैं वो क्या हो, टॉप ऑफ द लिस्ट हो, और फीमेल्स जो हैं वो क्या हो उसके बाद। यानी कि उन्होंने क्या है यहाँ पे मेल को प्रायोरिटी दे दी और वहां पे किसको प्रायोरिटी दे दी है, व्हाइट पीपल्स को। तो अब इस सिनेरियो में जो है आपको क्या बात समझ आ रही है, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है आपको क्या बात समझ आ रही है, इस केस के अंदर जो है हम किस चीज को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो उसने बात की है वो क्या डिस्कस होगी। चले अब जो है हम इसको देख लेते हैं कि इस केस के अंदर जो है हमारे पास क्या चीज जो है वो डिस्कस होगी, इसकी जो है हम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इस केस में हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेशन आ गया, जिससे अभी हमने उस पॉइंट में देखा था डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयरनेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेशन का जो है इश्यू जो है हमारे पास आ जाता है, क्योंकि इस केस में एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करने का कहा जा रहा है जिसको डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज किया जाएगा अगेंस्ट नॉन वाइट और फीमेल्स। यही बात उसने दो बातें कही थी कि वहां पे क्या होगा, नॉन वाइट पीपल्स को आपने नीचे रखना है और यहाँ से क्या है फीमेल्स को नीचे रखना है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसको, नॉन वाइट और पीपल्स को और फीमेल्स को। ठीक है, अब सिस्टम डिजाइनर जो है, सिस्टम डिजाइनर को क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो है हमारे पास जाहिर सी बात है जो रिक्वायरमेंट सुन रहा है, जो सिस्टम को डिजाइन करना है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या करना चाहिए। पहली बात एक तो ये कि वो इस तरह का कोई भी मॉडल जो है या इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन करके नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिस्क्रिमिनेशन आ रही है। दूसरा ये कि उसको क्लाइंट से पूछना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि उसने इस तरह का सिस्टम बनाना ही नहीं, और दूसरी बात भी उसने क्या है क्लाइंट से पूछनी है, क्या पूछनी है कि व्हाई दिस रिक्वायरमेंट देयर एंड व्हाई दे नीड, उसको पूछना है कि रिक्वायरमेंट जो है आपके पास कहाँ से आई और आपको इन रिक्वायरमेंट की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी है। और उसके बाद क्लाइंट जो भी आंसर करता है, अगर वो कहता है कि ये सिस्टम जो है वो व्हाइट मेल्स की फेवर में बना रहे हैं या बनवाना चाहते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को क्या जवाब देना चाहिए, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को जो है चाहिए कि वो सिस्टम को बिल्ड करने से जो है वो क्या कर दे, मना कर दे। क्यों मना कर दे, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू बिल्ड दिस सिस्टम, इफ वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस सिस्टम वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी ह्यूमन राइट्स एनी पब्लिक इंटरेस्ट। क्या कहता है, जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोफेशनल होगा वो ये कहेगा कि हम इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डिवेल्प कर नहीं देंगे जिसके अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होगी। अगर आपने हमसे सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर देंगे जिसके अंदर जो है ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो हमारे पास जो केस 3 था इसके अंदर हमने फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो है वो स्टडी कर लिया। आपको इसकी जो है वो सही से समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास जो है एक और सिनेरियो है, लास्ट सिनेरियो है, इसको देख लेते हैं। क्या आप लोग इस सिनेरियो को पढ़ के मुझे बता सकते हैं कि सिनेरियो के अंदर जो है वो क्या कहना चाह रहा है, कोई भी, हाँ जी, क्या कोई बता सकते हैं मुझे कि इस सिनेरियो के अंदर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। जी, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, कहता एक सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट कंपनी है, उसने अपने एक सॉफ्टवेयर को रिलीज किया है और ये पैकेज जो है किस चीज के ऊपर है, टैक्स रिटर्न के ऊपर है। एक कंपनी है, उसने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर को जो है वो रिलीज किया है और वो कहता है ये पैकेज जो उसने सॉफ्टवेयर रिलीज किया है वो किसके ऊपर है, टैक्स रिटर्न के ऊपर है, कि किस तरह से टैक्सेस के न्यू लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, किस तरह से उन्होंने जो रिटर्न फाइल्स करनी है और अपना टैक्स जो है वो पे करना है एक स्मॉल बिजनेस के लिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात के अंदर आती है, कहते हैं अब जो प्रेसिडेंट है उस कंपनी का, उसको पता है कि प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फॉल्ट हैं। जो कंपनी का प्रेसिडेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर जो है वो बहुत सारे फॉल्ट मौजूद हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपनी नोयत का पहला सॉफ्टवेयर है,
तो जो भी कंपनी जो है इसको मार्केट में सबसे पहले रिलीज करती है ना, तो इसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग काम करते हैं हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते हैं, हमने अपनी अर्निंग भी देखनी है। तो अब जब ये अपनी नोयत का पहला सॉफ्टवेयर है जो रिलीज होने जा रहा है, तो क्या होगा, जो भी कंपनी इसको पहले रिलीज करेगी ना, तो उसको क्या होगा, मार्केट का एक बहुत बड़ा जो है वो शेयर मिलेगा। जिस तरह अभी आपने वो रिसेंटली बात सुनी होगी चाइना और अमेरिका की 5G की लॉन्च के ऊपर, चाहे 5G जो है चाइना लॉन्च करता चाहे अमेरिका करता, बात तो सेम थी ना, टेक्नोलॉजी लॉन्च होनी थी, बट वॉर क्यों हो रही थी, अमेरिका चाहता था कि वो 5G टेक्नोलॉजी क्या करे, पहले लॉन्च करे, क्योंकि अगर वो लॉन्च करता तो उसको क्या होता, मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर मिल जाता। अगर चाइना करता तो क्या होता, चाइना, उनको डर था कि चाइना कहीं सुपर पावर पावर ना बन जाए और इस तरह की चीजें जो है वो ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है, यही सेम सिनेरियो हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है टेक्स कंपनी का, वो क्या है, अपनी नोयत का पहला सॉफ्टवेयर, जितना 5G टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो वो बिल्कुल न्यू होगी। तो जो भी कंट्री इसको पहले लॉन्च करेगा उसकी तो वाह हो जाएगी कि हाँ जी उसने किया है, तो उसको जो शेयर है मार्केट का वो क्या हो जाएगा, उस कंट्री को मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो गया, जो कंपनी इस अपनी नोयत का पहला सॉफ्टवेयर, तो जो भी कंपनी इसको क्या करेगी, पहले लॉन्च करेगी, उसको क्या होगा, मार्केट का बहुत बड़ा शेयर मिलेगा। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो इस पैकेज को जो है वो क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे क्या बात बोली है कि प्रेसिडेंट को पता है कि उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे क्या है बग्स या फॉल्ट्स क्या है मौजूद हैं, बट मार्केट का शेयर लेने के लिए ये सब कुछ जानते हुए वो क्या करते हैं, उसको एडवर्टाइज कर देते हैं। और जब ये प्रोडक्ट शिप की जाती है तो इसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लेम होता है, ठीक है। अब उसके अंदर जो क्लेम है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी एरर्स अक्कर होंगे इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम को यूज करते हुए कंपनी क्या करेगी, उसके लिए लायबल होगी, यानी कंपनी क्या होगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी अगर इस प्रोग्राम को यूज करते हुए क्या है कोई भी जो एरर वगैरह जो है वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो तो क्या करेगा, इस सॉफ्टवेयर की जो है वो फेवर में बोलेगा। क्यों बोलेगा, द सॉफ्टवेयर विदाउट इंफॉर्मेशन दैट क्लाइंट, वो क्या करेगा, अब जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने जो क्लाइंट को दिया है, उन्होंने क्लाइंट को इन्फॉर्म किए बगैर दिया है, मैंने जो है सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया लेकिन क्लाइंट को जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया या इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कितने बग्स हैं, कितने पार्ट हैं। क्या कहता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर रिलीज करते हैं हमें कंप्लेंट मिलती है, ये कौन कह रहा है, वहां का प्रेसिडेंट कह रहा है। तो कहते हैं जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर, उसने क्लाइंट को इन्फॉर्म नहीं किया लेकिन उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, उसको इन्फॉर्म नहीं किया, और वो क्या कहता है कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर जो है वो रिलीज करते हैं हमें उसके अगेंस्ट क्या होती है, कंप्लेंट मिलती है, सजेशंस मिलती हैं, तो हम इस तरह से क्या करते हैं सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर लेते हैं। और कहता है वो फिर साथ में वो क्या कहता है, वो कहता है ये जो हमारे पास इंडस्ट्री है ना, ये इस इंडस्ट्री की एक जनरल पॉलिसी है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को पहले लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद उसके अंदर जो भी इश्यूज आते हैं हमें लोग रिव्यू करते हैं, हम उस हिसाब से उसको क्या करते हैं फर्दर इम्प्रूव करते हैं, डिबग करते हैं और अपडेट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है उसकी कंपनी की जो है एक जनरल पॉलिसी है। और जब भी इसका कोई वर्जन कोई भी पर्सन जो है या कोई भी कंपनी जो है वो बाय करती है तो कहता है कि उसको इन सब चीजों का ऑलरेडी जो है वो पता होता है, लेकिन उस बग की वजह से बहुत सारे जो यूजर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने इनकम्प्लीट जो है वो इनकम टैक्स की फाइल जो है वो क्या करवा दी, जमा करवा दी। जब इनकम्प्लीट इनकम टैक्स की फाइल जो है वो क्या हुई, जमा हुई, तो उनको क्या होगी, पेनल्टी पड़ी। अब पेनल्टी किसको पड़ी, आवाम को पड़ी ना, जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को क्या किया, यूज किया, चाहे गलती क्या थी उस सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए जिसने क्या किया उस सॉफ्टवेयर को बनाया, बट अब क्या हुआ, लोगों ने तो अपनी इनकम टैक्स की फाइल जो थी वो सबमिट करनी ही करनी थी, लोगों ने क्या किया उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की फाइल जो है वो सबमिट करवा दी। अब इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर था, अब लोगों ने खुद से तो कैलकुलेट नहीं किया, जो भी फॉर्मूला जो भी चीजें थी वो क्या थी, वो ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होंगी, उन्होंने जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट पुट की, उनको जो भी इनकम टैक्स मिला कि आपने इतना टैक्स पे करना, उन्होंने टैक्स पे कर दिया। लेकिन जिस टाइम वो इनकम टैक्स ऑफिस में गई, उनके पास ईच एंड एवरीथिंग डेफिनेटली मौजूद होता है कि किसको कितना टैक्स, किसको कितना टैक्स लगना है, किससे कितना हुआ था, तो जब उन्होंने देखा कि वो चीजें जो है उस हिसाब से एक्यूरेट नहीं है, तो पेनल्टी उस सॉफ्टवेयर कंपनी को तो नहीं पड़ी जिसने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, पेनल्टी किसको पड़ी, उन बेचारे लोगों को पड़ी जिन्होंने क्या किया, गलत इनकम टैक्स जो है वो पे कर दिया। और जो गलत इनकम टैक्स पे हुआ था वो कैसे हुआ था, उस सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ था जो उस सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्या किया था, लॉन्च कर दिया था, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम जो है क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इस चीज को जो है हम किस तरीके से जो है वो देखते हैं। अब इस केस में हमारे पास जो इशू है वो क्या है, यानी जो इशू हमारे पास हाईलाइट हो रहा है वो क्या है,
कि आपकी कंपनी जब भी कोई अनरिलायबल कोड जो है प्रोड्यूस करती है तो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी कंपनी जो है इस तरह के कोड जो है वो क्या करती है लॉन्च कर देगी तो क्या होगी, वो कंपनी ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और उसका जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ACM कोड के उन्होंने उसको क्या किया है, वॉयलेट किया, बिल्कुल वॉयलेट किया। क्योंकि अभी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, एथिक्स पढ़े थे, हमने क्या देखा था, हमने यही बात देखी थी, यही कहा था कि जो भी काम करना है वो हमने क्या करना है, अपने उन प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर रहते हुए करना है, हमने अपने किसी भी एथिक को जो है वो वॉयलेट नहीं करना। बट यहाँ पे क्या है, जो प्रेसिडेंट है उसने क्या किया है, ACM के कोड को जो है वो वॉयलेट किया है। एक जो है उसने क्या किया, हाईएस्ट क्वालिटी भी प्रोवाइड नहीं की। बातें हमने ये भी देखा था कि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी हाई होगी, उसका स्टैंडर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया उनके स्टैंडर्ड से मीट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, उसने जो है वो ये काम भी नहीं किया कि जो हाई क्वालिटी थी वो भी प्रोवाइड नहीं की, और जो कंज्यूमर था जिसने सॉफ्टवेयर से लिया उसको भी उसने जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया। उसने भी जो है वो क्या कर दी, शिपमेंट भेज दी लेकिन उसको इन्फॉर्म नहीं किया कंज्यूमर को कि इस सिस्टम के अंदर जो है वो इतने बग है। और इस तरह से उसने क्या किया, लीगल रिलायबिलिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको उसने क्या किया है, वायलेट किया है। और साथ ही जो उसके हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं या उसके प्रिंसिपल्स हैं उनको उसने क्या किया है, वायलेट किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, पेनल्टी किसको पे करनी पड़ी, यूजर्स को पे करनी है। तो उस प्रोग्राम की वजह से क्या होता है, बाय लॉ अगर हम देखें तो एक जो हमारे पास लीगल टेस्ट होता है कंपनीज का, कंपनीज को जो है उनके लीगल टेस्ट किए जाते हैं कि कौन सी कंपनी गुड है कौन सी बैड है, उसके हमारे पास क्या होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा, वो देखा जाए कि हाउ गुड दे आर विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जो कंपनी है वो कितनी अच्छी है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो कंपनी है ये तो स्टैंडर्ड को जो है वो मीट ही नहीं करती, टेक्निकली भी नहीं करती। दे वर रिस्पॉन्सिबल टू मैंशन द बग्स, और उनको चाहिए था कि वो क्या करते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसके अंदर जितने भी बग्स आए थे या सॉफ्टवेयर के बारे में जितने भी पार्ट्स थे उनको क्या चाहिए था कि वो उन सबको वहां पे क्या करते, मेंशन करते, बट उन्होंने उस चीज को जो है वो मेंशन नहीं किया। वो क्या कहते हैं कि हम इसकी पूरी, उनको क्या चाहिए था कि अगर इन केस उसमें कोई बग आ गया तो लोगों को जो है वो पेनल्टी पे करनी पड़ी, तो यहाँ पे क्या था वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। कौन लेते हैं, वो कंपनी जिसने क्या किया था, सॉफ्टवेयर बनाया था, वो क्या करती इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती और कहती कि जिन यूजर्स को इस सॉफ्टवेयर के से प्रॉब्लम हुई है उनको हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल एड देंगे या उनको फाइनेंशियल हम क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। बट दे डिड नॉट डू दैट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस केस में जो था उसने, उन्होंने क्या किया है, रूल्स को, लीगल लाइबिलिटी के रूल्स को या कोर्ट को उन्होंने क्या किया है, वॉयलेट किया है। तो इस केस में बेसिकली हमने क्या देखा कि जो हमारे पास इशू था वो किसका था, लीगल लाइबिलिटीज के प्रिंसिपल का इशू था, जिसके अंदर उन्होंने हाईएस्ट क्वालिटी के स्टैंडर्ड और प्रोडक्ट के प्रिंसिपल को जो है वो मीट नहीं किया। क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्या, पहले लॉ किया, फिर हमने देखा कि हमारे पास मॉरल कोड्स क्या है, एथिक्स क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, उनके गोल्स क्या है, और उसके बाद हमने उनके जो थे दो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोड ऑफ एथिक्स को जो है वो स्टडी किया, जैसे कि IEEE के प्रिंसिपल्स देखे, और उसके बाद हमने कुछ जो इसके अंदर रियल लाइफ सिनेरियोस थे वो देखे, जो भी हमने चार सिनेरियोस हैं वो रियल टाइम इम्प्लीमेंट किया उनको देखा। क्या देखा कि कहाँ पर आपने जजमेंट देखी, आपने यहाँ पे क्या देखा, जजमेंट देखी लोगों की कि किस किस सिनेरियो में लोगों की जो जजमेंट है वो कैसी है, किस तरह से केसेस के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है कंप्यूटिंग प्रोफेशनल लोगों ने जो है वो किस तरह से अपने अपने डिसीजन लिए, कहाँ पे उनकी जो है बातें गलत थी, कहाँ पे वो ठीक थे, ये सब कुछ जो है हमने आज के अपने जो है वो लेक्चर में देखा है।